पहले से ही डाउन हो चुके हैं, तीन मेंबर अभी भी जिंदा है, हाई रीच एडवांटेज है निक ब्लाइंड स्क्वाड के पास। दलजीत को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। वन एंड टू डाउन होते हुए दलजीत पूरी तरीके से ऊपर रश करते हुए ब्लाइंड जस्ट सामने है, साइको की बात के दूसरे साइड पे एक्सपेन ब्लाइंड और उस ब्लाइंड बाकी सारे को कवर देना पड़ेगा। दलजीत ज्यादा देर तक यहाँ पे रुके नहीं रह सकते, पीछे से शॉट पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मोइम की स्क्वाड जस्ट नीचे के साइड पे, निक की बात करें तो शॉट दिया बट मैस अपना पोजिशन भी दे दिया दलजीत ने। ब्लाइंड स्क्वाड को अभी पता होगा एक मेंबर काफी ज्यादा उनके क्लोज जा चुका है, इसी के मैं बात कर रहा था, पीछे से इनको शॉट जरूर पड़ेंगे। मोइम की स्क्वाड शॉट ले रही थी, एक नेड आया है दलजीत के पास, नीचे के साइड पे गया है निक ब्लाइंड पे, बहुत ही ज्यादा प्यारा स्प्रे जाता हुआ। ओके, एक नीचे के साइड पे नेड आया था, यस बिल्कुल आया था, बिल्कुल कुक्ड नहीं था वो नेड, काफी ज्यादा लेट में फटा और दलजीत यहाँ पे नॉकडाउन होते हुए। एंटो की बात करें वैम्पायर नीचे के साइड पे, और अब मे बी ब्लाइंड की स्क्वाड रश करना पसंद करेंगे। एंटो की बात करें अभी भी एक रिज पे है, दलजीत को फिनिश किया जाएगा सेवन सीज के वीर अकेले बचे हुए अपनी टीम से। गॉडले एग्जिस्ट डाउन होते हुए वासु के द्वारा, बाकी जोन में निकलना पड़ेगा और दोनों टीम को यहाँ पे जोन में जाना पड़ेगा। आई गेस टीम जोन के अंदर जाना जल्दी प्रिफर करेगी। साइको ब्लाइंड की बात करें तो आगे के साइड पे जा चुके हैं और अच्छा एक हाई रिज लेके बैठ गए। ब्रॉलर्स की स्क्वाड जस्ट सामने से निकलती हुई, नोवा की बात करें, ओके नोवा पे बढ़िया स्प्रे जाता हुआ। साइको का 10 किल अपनी टीम के नाम किए उन्होंने, नोवा किंग को पूरी तरीके से फिनिश किए गए और 11वां किल अपने नाम किया है साइको ब्लाइंड और यूएमए स्क्वाड ने। जिब्रा की बात करें दूसरे सेट पे आइकॉनिक में भी फंस सकते हैं, बॉम्बर की बात करें काफी ज्यादा क्लोज है जिब्रा और बाकी सारे मेंबर्स को स्पॉट कर सकते हैं। सेवन सीज के वीरू डाउन होते हुए एसजी की स्क्वाड जस्ट नीचे के साइड पे आते हुए श्राइड डाउन होते हुए वोस के द्वारा। बाकी ब्लाइंड स्क्वाड की बात करें तो आज तो पूरा रश गेम प्ले देखने को मिलता हुआ, हर तरफ से शॉट्स बरसते हुए। अक्षय की बात करें तो डाउन किया निक ब्लाइंड को, वो उसको थोड़ा सा कवर में रहना पड़ेगा, साइको को भी कवर में रहना पड़ेगा। आरएक्सएन की स्क्वाड जस्ट पीछे के साइड पे आ रही है, ब्रॉल्स की स्क्वाड को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अभी के लिए, अगर उन्होंने रश नहीं किया तो फिर वो जोन के अंदर जाना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। एसजी की स्क्वाड अगर रैंडम शॉट्स भी ले तो मे बी डाउन कर सकती है, बट साइको स्क्वाड की बात करें, ब्लाइंड स्क्वाड की बात करें, ये भी काफी ज्यादा डैमेज ले रहे हैं। एसजी स्क्वाड के काफी ज्यादा क्लोज जाते हुए वो ब्लाइंड डाउन करते हुए रिवेंज त्रिलोक को ऊपर के साइड से जस्ट इनके पीछे। ओके, इनके पीछे जी की स्क्वाड है, शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आरएक्सएन स्क्वाड, ओके बिल्कुल अब ध्यान जरूर देंगे। ऑस्टिन एक्स जस्ट, ओके बहुत ज्यादा ओपन में जाते हुए स्कारल का स्प्रे देखने को मिलता हुआ, हर जगह स्कारल 6x चलता हुआ, हर कोई M4 से 6x की तरफ बढ़ता हुआ। स्ट्राइडर की बात करें तो अकेले बचे अपनी टीम से, यूएमई आरएक्सएन के मेंबर्स अभी भी जिंदा है। फ्रेनेटिक रौनक डाउन आइकॉनिक के द्वारा, फ्रेनेटिक स्क्वाड इसी के साथ एलिमिनेट हो चुकी है। ब्लाइंड की स्क्वाड जोन के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, रिवेंज के तीन मेंबर अभी भी जिंदा, ब्रॉल जिब्रा डाउन, रिवेंज की जा सकता तीन टीम्स, आठ मेंबर्स अभी भी जिंदा और साइको ब्लाइंड की बात करें, ओके एक किल और ले लिया अपने नाम गोल्ड ब्लेड का। डेस्ट्रो की बात करें नीचे के साइड पे है, एक नेट गया था, भीष्मा को नॉकआउट किया है डेस्ट्रो, अकेले बचे हुए रिवेंज के दो मेंबर्स और ब्लाइंड के तीन मेंबर जिंदा है। निक ब्लाइंड के पास अकेले के 9 किल है और इसी के साथ यूएमई आरएक्सएन की स्क्वाड एलिमिनेट होती हुई बाय ब्लाइंड स्क्वाड, 16 किल्स अपने नाम निकाले हैं, दो मेंबर्स और। त्रिलोक पे भी प्यारा स्प्रे आता हुआ निक ब्लाइंड का, सोनिक अकेले बचे हुए हैं, क्या कर सकते हैं अपनी टीम से पता नहीं, बट यहाँ पे ब्लाइंड स्क्वाड इज ऑन फायर, 18 किल्स के साथ चिकन डिनर ले जाएंगे वो। सोनिक की बात करें तो इनके पास हेलमेट भी नहीं है, वैसे काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, बाकी सारे मेंबर्स इन पे रश करेंगे, पता है अकेला बंदा बचा हुआ है, उसको मे भी फिनिश करने की कोशिश कर सकते हैं। रिज 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 और रिजेस का गेम यहाँ पे चलता हुआ, दोनों के दोनों मेंबर्स रिज पे हैं, वो सब कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी उनको शॉट पड़े और फाइनली शॉट पड़ा और इसी के साथ ब्लाइंड स्क्वाड चिकन डिनर लेते हुए विद 18 किल्स।